फिल्में आपकी शूटिंग होने वाली, उसके बारे में जानकारी दें। इसके बाद दूल्हा कंप्लीट करने के बाद आदर्श सर के साथ ही हम लोग कश्मीर में प्लान कर रहे हैं। कश्मीर में दो फिल्में हैं और उसके बाद लखनऊ में प्रोजेक्ट है, तीन चार प्रोजेक्ट लाइनअप है। तो बस हमारे दर्शकों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और बैक टू बैक में फिल्में देता रहूं। तकरार कब रिलीज हो गया थी? और तकरार का ट्रेलर भी काफ़ी जल्दी आने वाला है और तकरार भी मेरे ख्याल से फरवरी मार्च तक ऑडियंस के सामने आ जाएगी। उस फिल्म में कौन कौन है डायरेक्टर, डायरेक्शन किसके हैं? तकरार में मैं हूँ, मेरे साथ राकेश मिश्रा जी हैं, निशा दुबे जी हैं, शाइना है, गिरीश शर्मा है, बालेश्वर जी हैं, यास खान जी हैं और डायरेक्शन हमारे काफ़ी फेवरेट हैं, बोलू मोलू हमारे टेडी बियर से रतन राहा जी उनका डायरेक्शन है, मनोज गुप्ता जी डीओपी है, अमन श्लोक जी का म्यूजिक है, काफ़ी अच्छी म्यूजिक काफ़ी अच्छी है फिल्म का, एक्शन काफ़ी अच्छा है। उस फिल्म में आप मुझे एक अंदाज अलग अंदाज में देखेंगे और फर्स्ट टाइम मैंने एक एंटी हीरो किया है उस फिल्म में, तो काफ़ी मज़ेदार फिल्म वो भी है। और मेरे दर्शकों को एक चीज़ खास मिलेगी, मेरे हर फिल्म में आप मुझे एक अलग अलग किरदार में देखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को हर फिल्म में या तो लुक से या फिर काम से कुछ अलग देने की कोशिश करूँ अपने जनता को, अपने ऑडियंस को और मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी। भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर हीरो जो है सिंगर हैं और आप सिंगर नहीं होते, कितने प्रॉब्लम झेलना पड़ता आपको? सर सबकी अपने अपने काम करने का तरीका है और सिंगर्स हैं अच्छी बात है, सिंगर्स से लोग काम देते हैं और एक्टर्स भी काम करते हैं हमारी इंडस्ट्री में। अगर हम शुरुआत से देखें तो कुणाल जी एक्टर थे, रवि किशन जी एक्टर थे, विराज भट्ट जी एक्टर थे, तो काफ़ी सारे एक्टर्स ने काम किया और सब अपना अपना काम करते हैं ऐसे, और सबकी अपनी अपनी काम करने का तरीका है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा फेस करते, सबका अपना अपना स्ट्रगल है, जिसका जैसा स्ट्रगल है, जिसकी जैसी मेहनत है वो हिसाब से फिल्में कर रहे हैं। तो क्या आपकी जब फिल्में बनती है तो उसमें गाने पे मेहनत आप लोग नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं, गाने पे मेहनत म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं, डायरेक्टर करते हैं। अभी मेरी लास्ट फिल्म आई थी काजल, और काजल का म्यूजिक रिकॉर्ड हिट था एक दिन में, उस फिल्म का गाना पिया मेरा कुछ नहीं किया जो मेरे और अमृपाली जी के ऊपर था, एक दिन में सबसे ज़्यादा व्यूज़ कलेक्ट करने वाला गाना था भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक दिन में 8.5 मिलियन उस गाने ने क्रॉस किया था जो फर्स्ट रिकॉर्ड था। उसके बाद फिर काफ़ी सारे रिकॉर्ड बने। तो सर मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ और उस गाने ने रिकॉर्ड किया था और म्यूजिकल हिट है मेरी फिल्म काजल, तो आप इस बात को बोल सकते हैं कि अगर म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे अगर सिटिंग में और म्यूजिक अच्छा बने तो म्यूजिक सिंगर की भी हिट है, म्यूजिक एक्टर की भी हिट है, बिकॉज म्यूजिक पे म्यूजिक डायरेक्टर का हाथ होता है। एक एक्टर परफॉर्मेंस दे सकता है, डायरेक्टर फिल्म बना सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक पे फोकस कर सकते हैं, फाइट मास्टर फाइट पे, और फिर उसको कैसे कोरियोग्राफ करना है म्यूजिक को वो डांस मास्टर, और उस फिल्म के डांस मास्टर हमारे रामदेवन सर थे, तो काफ़ी अच्छी म्यूजिकल फिल्म है, रिकॉर्ड फिल्म है अपने आप में। तो आपकी इस बात को मैं सरासर काटता हूँ कि एक नायक की फिल्म का म्यूजिक हिट नहीं हो सकता, भोजपुरी में हिट है। और नया क्या कुछ गाने आने वाले हैं, कुछ जो सबसे ज़्यादा हिट हो, कुछ तैयारी है? अभी तो जो मेरी फिल्मों का गाना है, अभी तकरार के गाने काफ़ी हिट, मुझे उम्मीद है काफ़ी हिट करेंगे, काफ़ी ऑडियंस को पसंद आएगा। दरदिया बालम के गाने काफ़ी ऑडियंस को पसंद आएगा, दूल्हा में दूल्हा के गाने भी कमाल के गाने हैं, और कुछ वीडियो एल्बम मैं भी शूट करने वाला हूँ जिसमें मैंने सिंगिंग नहीं किया, मैं पहले ऑडियंस को क्लियर कर दूँ, मेरे मुझे सिंगिंग का कोई शौक नहीं है। हाँ, गाने अच्छे बनवाया हूँ जिसको मैं शूट करने वाला हूँ और जो मेरे ऑडियंस को शायद फरवरी तक मैं उनके सामने मार्केट में आएगा, और आई होप कि मेरे लोगों को, मेरे दर्शकों को पसंद आएगा। भोजपुरी के जो सब अपने आप जो सुपरस्टार कहते हैं हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, आप एकदम शांत क्यों रहते हैं? सर आई थिंक मैं जब मुंबई आया था मुझसे लोग पूछते थे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और मैं हमेशा इंग्लिश में दो लाइन बोलता था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो सर इंसान के कर्म ही उसकी पहचान होती है, हल्ला करके खुद को क्या साबित करना, तो बस मेरा काम ही मेरी पहचान है। जैसा मैंने बताया कि अभी मैं भी देखता हूँ कि ये मिलियन चले गए, वो ये हो गया, वो हो गया, तो सर मैंने बताया कि काजल में जो मेरा गाना था वो फर्स्ट गाना था फिल्म का जो एक दिन में रिकॉर्ड बनाया, सर काफ़ी गाने बनाए, तो सर हल्ला क्या करना है, ऑडियंस जिसको पसंद करती है वो खुद अपना काम करता है और उसको पसंद करने वाले करते हैं और वो काम करने वाला अपने हिसाब से काम करते जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।